I hope you are all fit and fine. Today we discuss about a number system. As you know very well, number system is a very most important chapter in mathematics. आप चाहे कोई से स्टैंडर्ड में हो, 7th, 8th, 9th या कोई भी टेट मतलब टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम के नंबर सिस्टम चैप्टर है वो क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से दो या तीन क्वेश्चन आपको हर बार मिलते हैं कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम, जैसे हमारा एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन, असेंडिंग डिसेंडिंग एंड यूनिट डिजिट के क्वेश्चन जो हर बार रिपीटेड आते हैं, या फिर डिविजिबल टेबल हो गए आपके, तो इस टाइप के काफी टाइप्स हमारे नंबर सिस्टम की जिसमें से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। मेरी इस क्लास में आपके जितने भी नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते अपना टॉपिक क्या स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। अगर कोई मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज पहले जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। नंबर सिस्टम, नंबर, नंबर क्या है, संख्या क्या है, कि मैथ के अंदर आपका नंबर क्या आता है। जैसे कि हमें पता है कि हम कोई भी चीज लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि हमने एक शॉपकीपर के पास गए, हम कोई भी सामान ले रहे हैं, जैसे कि हमने 10 मटेरियल ले लिए अपने, चिप्स वगैरह हो गई, दूध का पैकेट हो गया, दही का पैकेट हो गया, बिस्किट वगैरह हो गए, जैसे इस टाइप के हमें काफी आइटम्स ले। अब उन आइटम्स को क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। अब काउंटिंग कहाँ से करते हैं, काउंटिंग क्या होती है कि काउंटिंग जैसे हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सारी क्या होती है, हमारे पास डिजिट होती है। मैथ के अंदर जब हम इन डिजिट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उन्हें क्या बोल देंगे, एक नंबर का नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, हम एक संख्या का नाम दे देंगे उन डिजिट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये ले लिया मैंने 9, 3, 4 ले लिया, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक डिजिट हो गई। अब इन डिजिट को हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया है कि भाई 3 है, 3 को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को हम ऐसे लिखते हैं। अब जब ये जो है आपके पास जो डिजिट है ये किसका काम करेगी, एक नंबर काम करेगी, एक संख्या का काम करेगी, कि 34 हमारे पास डिजिट है, मतलब एक क्या आ गया, हमारे पास नंबर आ गया है। अब नंबर, नंबर को हम कैसे लिखते हैं, कि जैसे कि आपको पता है कि मैथ के अंदर जब हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, हम अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां तक डिजिट हमारी जाती है, कहां तक जाती है हमारे पास नंबर की, मैथ के अंदर हम डिजिट की बात करते हैं। जर्नी मैथ के अंदर हम साइंस में भी, मैथ और साइंस के अंदर हम दोनों के अंदर किसका यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करके चलते हैं। इसलिए क्या कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे क्या हमारे पास बोलेंगे डिजिट है, बट एक क्या नाम दे दे इसका, एक सेपरेटिव नाम दे दे किसका, नंबर का नाम दे दे। क्या आ गया हमारे पास, 34 क्या है, एक नंबर आ गया हमारे पास। जैसे कि नंबर्स क्या हो गए, 3 हो गया डिजिट, कौन सा डिजिट हो गया हमारे पास, 1 डिजिट हो गया, और 4 हो गया 1 डिजिट, और 3 क्या हो गया, 10 डिजिट पे लाई कर रहा है। अब ये नंबर्स कहां से हमारे पास स्टार्टिंग है कि 3, 4 है, ये एक्चुअली में है क्या, अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर। कि नंबर सिस्टम के अंदर फर्स्ट हमारे क्या लाई करता है, नेचुरल नंबर, क्या करता है, नेचुरल नंबर। हम फर्स्ट क्या किया हमने, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर कि नेचुरल नंबर के एक नेचर से आया, नेचर से, जैसे कि हम कोई भी चीज लेते हैं स्टार्टिंग हमेशा हम किससे करते हैं, 1 से करते हैं, किससे करते हैं, 1 से। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है तो मैं क्या करती हूं, 2 मार्कर अगर मेरे पास है तो मैं क्या करती हूँ, एक मार्कर ये हो गया, सेकंड एक और मार्कर ले लिया मैंने, तो स्टार्टिंग कहां से की, हमने 1 से की है। तो नेचुरल नंबर मतलब कि प्रकृति से आया, नेचर से आया आपके पास, तो नेचर से आया तो स्टार्टिंग हमेशा हम किस से करते हैं, 1 से करते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या आएगा हमारे पास, काउंटिंग नंबर आ जाएगी, कहां से आ जाएगी, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड सो ऑन, अनकाउंटेबल इनफिनिटी नंबर्स लाइक करेंगे किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 एक ऐसा नंबर है जो आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। 1 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 से आगे के अगर पहले डिजिट की बात करते हैं तो क्या आगे, 0 आता है, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एज यू नो वेरी वेल कि 0 एक हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है स्टार्टिंग किस से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 इज ए आपके पास क्या हो गया, और नेचुरल नंबर हो गया, कि 1 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है।
बट अगर हम बात करें हाईएस्ट नेचुरल नंबर की, तो हाईएस्ट नेचुरल नंबर या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अब कोई कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो डिजिट जा रही है वो इन्फिनिटी नेचुरल नंबर तक जा रही है, इन्फिनिटी नंबर तक जा रही है। तो हमारे पास कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट क्या हो गया, वन, क्योंकि वन से पहले जीरो एंड माइनस में चली जाएगी। बट नेचुरल नंबर के केस में जीरो और नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं होता है, ओनली आपके पास क्या होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड एट एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें किसी दो नेचुरल नंबर का, अगर हम सम करते हैं तो आंसर किस में आएगा, हमारे नेचुरल नंबर में आएगा। सम ऑफ ए नेचुरल नंबर इज आल्सो ए नेचुरल नंबर, कि हम किसी भी दो नेचुरल नंबर का जो सम करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज किस में आएगा, हमारे नेचुरल नंबर के अंदर आएगा। आई होप आपको नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर एक्चुअल में हमारा होता क्या है। उसके बाद अब देखते हैं जीरो, भाई ठीक है, नेचुरल नंबर अपने वन तक की बात कर ली कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। अब वन से पहले की जो डिजिट है उनका क्या होगा, अब जीरो है, जीरो क्या है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट है, जैसे कि आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट है। अब जैसे कि क्लास के ओवर होती है तो सब बच्चे क्या हो जाते हैं, क्लास से आउट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब क्लास में कोई स्टूडेंट बचा नहीं बचा। जब क्लास में स्टूडेंट होते हैं तो हम बोलते हैं देयर आर द 35 स्टूडेंट, बट अगर जब क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं, क्लास बिल्कुल खाली है, तो हम बोलते हैं कि देयर आर नो एनी स्टूडेंट। जब क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं कि भाई इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं बचा है, कि इसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है। नहीं है मतलब क्या, उसके अंदर जीरो, उनके नंबर्स क्या हो गए, जीरो। नहीं है तो स्टूडेंट एक भी नहीं है तो क्या हो गया, जीरो। तो वहां से आता है जीरो, जीरो जो कि हमारे पास क्या एक नंबर है। अगर जीरो को आप देखेंगे, जीरो किस में लाइक करेंगे, तो जीरो किस में होता है, होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। सेकंड नंबर क्या गया, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है हमारे पास, पूर्ण संख्या। देखो हिंदी से ही इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि होल नंबर दैट इज पूर्ण संख्या, कि जीरो लगाने के बाद हमारे पास जितने मैथ के नंबर से ये डिजिट है वो सारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, होल हो चुके, पूर्ण बन चुकी है सारी संख्या। तो जीरो जब इंक्लूड रहेगा किस में, नेचुरल नंबर के साथ, तो दैट इज होल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया एक नेचुरल नंबर में ऐसे नंबर लाइक कर रहे हैं, अब इसमें एक होल नंबर और ऐड कर दिया, मतलब हमने जीरो लगा दिया, तो पूरा कंप्लीट जो नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर रहा है अपने साथ और साथ साथ जीरो भी ले रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर, पूर्ण संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया कि होल नंबर हमारा होता है क्या एक्चुअल में। थर्ड नंबर हम क्या डिस्कस करेंगे, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर, उसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक। क्या होता है इंटीजर, हमारा पूर्णांक। अगर हम हिंदी की बात करें तो इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक विच इज जिसमें हमारे नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर दोनों इंक्लूड हो। जैसे कि अब मेरे पास 12 स्टूडेंट है, एक क्लास में 12 स्टूडेंट है, अब 6 स्टूडेंट एक दिन नहीं आए हैं, तो अब उसमें से हटाएंगे, टोटल में से जो नहीं आए उसको हटाना भी होगा, माइनस भी करना होगा। तो इसलिए इंटीजर ने क्या किया कि भाई मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को ले आओ, ताकि उससे क्या है, हमें मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ जाए कि अगर हमें कोई चीज लेनी है और उसमें से कोई चीज को हटाना है, भगाना है, तो उसमें किसका यूज करेंगे, हम इंटीजर का यूज करेंगे। तो इंटीजर के अंदर आपके सारे क्या आते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर लाइक करेंगे एंड जीरो आल्सो, वन टू थ्री फोर। अगर हम इंटीजर की बात करते हैं, यहाँ पे देखो एंड सोन, मैंने डॉट डॉट लगाया, तो हमारे पास ना तो कोई लार्जेस्ट ना कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है। क्वेश्चन अगर आपके पास गिवन है, अगर आपके पास फाइनाइट नंबर गिवन, तो आप इजली उसमें से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो इसमें जीरो भी इंक्लूड हो रहा है, बट इन केस दैट ऑफ नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो जो जितना बड़ा नंबर रहेगा नेगेटिव का, वो उतना ही क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल -4 -1 लिया, क्वेश्चन पूछे कि इसमें से बताओ स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो हम हमेशा क्या बताएंगे, -4, कि माइनस के केस में जो नंबर जितना बड़ा रहेगा वो उससे कितना रहेगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर यहां तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड इंटीजर हमारा एक्चुअल में होता क्या है।
है, क्योंकि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है यही मेन होते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को इजिली अपना सोल्व कर लोगे, जो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे उनको। नेक्स्ट क्या है, इंटीजर के बाद अब हम किसकी बात करते हैं, जैसे कि इवन नंबर आ गया। वैसे तो छोटा टॉपिक है इवन नंबर, हर किसी को पता रहता है इवन नंबर मतलब कि सम संख्या। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या। व्हाट इज अ सम संख्या, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या है कि ऑल दोज नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे 2 की टेबल लिख लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन, वो सारे नंबर क्या हो गए हमारे, इवन नंबर। मतलब ऑल दोज नंबर which is divisible by 2, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो सारे के सारे नंबर किस में आएंगे, हमारे इवन नंबर के अंदर आएंगे। जैसे आपके पास एक नंबर गिवन होगा, जैसे नंबर देते 2, 2, 2 ऐसे दे दिया, सॉरी 222 दे दिया, 2, 4, 6 दे दिया, या 3, 4, 3 दे दिया, या 2, 4, 8। अब इनमें से बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर, इनमें से बताओ कि कौन सा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये देखो लास्ट की यूनिट डिजिट देखो, यस लास्ट की अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो वो क्या हमारे पास मींस वे सारे के सारे हमारे क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इवन नंबर नहीं है, जैसे 3, 4, 3 है, दैट इज 3 is a odd number which is not divisible by 2 because 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो इसलिए ये क्या होगा, 3, 4, 3 is not a even number, कि जो 343 है वो एक even number नहीं है, means एक सम संख्या आपका नहीं है। even number के बाद क्या आता है हमारा, odd number। odd number what is a odd number, अगर हम odd number की बात करते हैं even का उल्टा, even क्या था कि all those number which are divisible by 2, but in case that odd number, all those number which are not divisible by 2, वो number जो 2 से divide नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, odd number। जैसे अगर उनके unit digit की अगर हम बात करें, जैसे कि 1 आ जाए, 3, 5, 7, 9, अगर ऐसे कुछ number आ जाते हैं तो वो क्या होगा हमारा, odd number। मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आता, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने अब तक क्या किया, एक तो कर लिया हमने नेचुरल नंबर, ठीक है, सेकंड इज होल नंबर, थर्ड इज इंटीजर जिसे हम डिनोट करते हैं जेड से, एंड फिर हमने क्या किया, इवन नंबर, देन क्या किया हमने, ओड नंबर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि ये एक्चुअल में क्या क्या थे। उसके बाद इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, अब हम बात करते हैं किससे, प्राइम नंबर। किसकी बात करेंगे हम, प्राइम नंबर। अगर हिंदी में बात करें तो प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ये सारे प्राइम सारे क्या है आपके, इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या, कि इसमें क्या होगा कि आपके जो फैक्टर बनेंगे वो या तो वो अपने आप से बनेगा या वन से बनेगा। मतलब कि अभाज्य संख्या में वो नंबर आएंगे जो डिविजिबल होगा किससे, अपने आप से और एक से होगा। फैक्टर जो बढ़ेंगे इसमें इटसेल्फ और वन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 ले लिया, अब 3 देखो, 3 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता। आपको नहीं मैम, 3 किसी के टेबल में आता है, 3 तो भैया अपने टेबल में आता है या 1 से डिविजिबल हो जाए, तो 1 तो कॉमन फैक्टर है सबके टेबल में आता है 1, तो 1 और जो इटसेल्फ मतलब अपने ही टेबल में आएगा, दैट इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। अगर हम 9 की बात करें तो 9 क्या प्राइम नंबर होगा, होगा नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आंसर ये रहेगा आपका, क्योंकि मैम 9 जो है वो तो 3 के टेबल में आता है, तो 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो रहेंगे जो ओनली अपने ही टेबल में आएंगे। जैसे अगर हमें 23 की बात करती हूँ, तो 23 किसी की भी टेबल में नहीं आता, ये ओनली अपने ही टेबल में आएगा और एक 1 के टेबल में आएगा। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो ओनली अपने ही टेबल में अपने से ही भाग होगी, अपने से ही विभाजित होगी और उस एक 1 के टेबल से होगी। 1 तो जैसे हमारे कॉमन फैक्टर है, तो दैट इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कंपोजिट,
कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या। जो प्राइम नंबर क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब ये तो ये था कि भाई प्राइम नंबर की वो अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। अगर कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऑल दोज नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 68 ले लिया। अब 68 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस 4 से डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 17 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो 68 एक काफी फैक्टर है जो हर किसी से क्या हो गया? डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जिस जिसके वो टेबल में आता उससे। तो प्राइम नंबर का उल्टा क्या रहेगा? हमारा कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या हमारा? प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? कि आपके दो ऐसे रहेंगे जिनका दो नंबर, जैसे कि ए बी ले लिया मैंने, उन दोनों का एचसीएफ अगर 1 है तो वो क्या रहेगा? एक को प्राइम नंबर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं? कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका एचसीएफ क्या है? 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 और 7 ले लिया। अब देखो 5 किसी टेबल में आता है? नहीं आता है। ओनली 1 और अपने आपके टेबल में आएगा। 7 आता है? नहीं आता है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है? हमारा 1 है। क्या है? 1 है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, अगर मैं देखूं आरआरबी है, एनटीपीसी है, रेलवे के एग्जाम है, या अपने सीटेट का एग्जाम लगा लो, रीट का लगा लो, उनमें जैसे कि आपके पास एक नंबर गिवन होगा, उनमें से बोलेगा कि को प्राइम नंबर होता है कौन कौन से। जैसे मैंने ऑप्शन दिया आपको, ए क्या हो गया 4 2 3 5 5 7 एंड डी ले लिया 41 एंड 43, ठीक है ये ले लिया। अब क्वेश्चन के अंदर ये बोले कि इनमें से ये बताओ कि को प्राइम नंबर कौन सा नहीं है इनमें से। तो अभी मैंने को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बताया? कि ऐसे दो नंबर लेने जिनका एचसीएफ क्या है? 1 है। मतलब कि वो अपने ही टेबल में आएंगे। तो दो नंबर हमारे ऐसे कौन से हैं कि जो को प्राइम नहीं है? देखो 4 2 और 4 है, ये को प्राइम है? नो इट इज नॉट ए को प्राइम, बिकॉज 4 जो 2 की टेबल में आता है तो इनका जो एचसीएफ वो क्या है? 2 आया। बट इन केस ऑफ दैट को प्राइम में जो एचसीएफ वो कितना आना चाहिए? हमारा 1 आना चाहिए, दैट इज ए को प्राइम नंबर। तो ऑल दीज 3 नंबर्स आर को प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम नेक्स्ट करते हैं। को प्राइम नंबर के बाद क्या आता है हमारे पास? के बाद क्या आता है? ट्वीन प्राइम नंबर। ट्वीन प्राइम नंबर, इसमें जो ये टॉपिक है ट्वीन प्राइम नंबर, इसमें काफी बच्चों के क्या होते हैं? डाउट रहते हैं कि एक्चुअल में ट्वीन प्राइम नंबर क्या है। ट्वीन प्राइम नंबर वो रहेगा कि दो प्राइम नंबर लेने हैं, उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, दैट इज ए ट्वीन प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 और 5 ले लिया। 3 और 5 प्राइम नंबर है? यस 3 5 प्राइम नंबर, बिकॉज 3 और 5 ऐसे दो नंबर है जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। ओनली अपने ही टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में आते हैं। और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो दैट इज ए ट्वीन प्राइम नंबर। ट्वीन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो प्राइम नंबर ऐसे लेने जिनका डिफरेंस क्या आएगा? 2 आएगा। जिनका अंतर क्या आएगा? 2 आएगा, दैट इज कॉल्ड ए ट्वीन प्राइम नंबर। जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, उस पर 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 7 9 जो है उनके 7 9 एक ट्वीन प्राइम नंबर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। 9 तो क्या है? कंपोजिट नंबर। क्योंकि हम डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर वो होता है जो ओनली अपने ही टेबल में आएगा। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ ताकि आपको इस टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन ना हो, जो भी अगर कॉन्सेप्ट है वो सारे क्या हो जाए, आपके क्लियर हो जाए। प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये ऐसा है नंबर सिस्टम के कुछ डेफिनेशन ऐसे, अगर जब तक हम इनको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तब तक वो समझ में नहीं आएगी। और पेपर के अंदर ये छोटी छोटी चीजें ही आती है, जो गवर्नमेंट के जितने में एग्जाम है, टैट के एग्जाम है, उन सब में ये छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, डेफिनेशन के अंदर से ही क्वेश्चन पुटअप होके आते हैं। तो 7 और 9 की अगर हम बात करें तो एक ट्वीन प्राइम नंबर नहीं, बिकॉज 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। उसके बाद 9 के बाद क्या है हमारे पास? 11 11 एंड 13, दैट इज इट ट्वीन प्राइम नंबर, बिकॉज 11 13 का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्वीन प्राइम नंबर हमारे क्या है।
ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद देख लो आप 17 और 19, यस आपको भी यस मैम, 17 और 19 क्या हमारे दो प्राइम नंबर, थ्री प्राइम नंबर है, बिकॉज ये क्या है किसी के टेबल में नहीं आते, उनका डिफरेंस भी क्या है 2 है। ट्वीन प्राइम नंबर के बाद आता है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपने छोटी क्लासों में किया होगा, बट क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से, हर एग्जाम मिलता है, रिट के एग्जाम में मिलता है आपको, सी टेट है, यूपी टेट हो गया, बिहार टेट का हो गया, कोई भी अदर स्टेट एस टेट जितने भी हो गए, आपको इन सब में असेंडिंग और डिसेंडिंग का टॉपिक मिलता ही है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है देखो, अगर मैं बात करूं तो स्मॉल टू लार्जर नंबर जाते हैं हम, स्मॉल टू लार्जर, और असेंडिंग अगर बात करें तो लार्जर टू स्मॉल, मतलब बिगेस्ट टू स्मॉल के अंदर जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि आप मीन मीडियम वाले क्वेश्चन करते हो, तो आप उसी से ध्यान लगा लो कि मीन मीडियम वाले जो क्वेश्चन करते हैं हम डाटा वाले, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे उनको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं कि पहले सबसे छोटा लिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के रैशनल और इरेशनल के टाइप में कैसे हम सोल्व करते हैं कि असेंडिंग कौन सा होता है, डिसेंडिंग कौन सा होता है, उनके कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर असेंडिंग की ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं स्मॉल टू लार्जर में जाता है, मतलब छोटे से बड़ा जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं लार्जर टू स्मॉल जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप नंबर सिस्टम की जितनी भी डेफिनेशन कराई, आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी, आपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने वो क्लियर कर लिए होंगे। अगर आपको आज ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।